अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब कैसे हैं? तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अभी बॉयल कर रही हूँ दूध, और साथ में मुझे कहीं से आई थी बोली और वो मैंने बनाई है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज मक्खन किस तरह निकालूंगी। ये है गड़वी, इसमें मैं निकालूंगी मक्खन। मलाई, ये जो मलाई थी इसको पहले मैंने एक दो चम्मच जो थे दही के लगा के, तो इसको जिसको बोलते हैं जाग, वो मैंने इसको जमा लिया था दही की तरह। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज मक्खन किस तरह निकालती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको इस गड़वी में डालूँगी, ये सारी मलाई को मैं इस गड़वी में डाल लूँगी। ये देखिए, ये दही की तरह सारी अच्छी तरह बनी हुई है। अब इसको सारे बर्तन को मैं इसमें अच्छी तरह उलटा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने ये सारा बर्तन अच्छी तरह साफ करके इसमें डाली है ये सारी मलाई। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। अब ये देखें, मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब मैं इसमें वो जो है इलेक्ट्रिक मदानी रखूंगी। ये वाली अब इसको मैं चलाती हूँ। इसको तब तक मैं चलाऊंगी जब तक इसके ऊपर मक्खन नहीं आ जाता। तो ये देखिए, मैं अब इसमें मक्खन बन रहा है। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसको बंद करके उठाऊंगी, देखेंगे कि मक्खन अभी ऊपर आया है कि नहीं। आइए, चलिए आइए इसको बंद करती हूँ और देखती हूँ ऊपर तक मक्खन आया है कि नहीं। ये देखिए, ये मक्खन ऊपर आ रहा है अभी, तो मैं इसको थोड़ी देर और बंद करती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह मक्खन ऊपर आ गया है ऊपरी तैर में। चलिए अब मैं इसको उतारती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह यहाँ पे मक्खन निकल आया है। चलिए आइए मैं अब इसको उतारती हूँ। आप बेशक इसको हाथ से उतार लीजिए या चम्मच से। चलिए आइए मक्खन निकालते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा मक्खन निकल आया है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग इसको हैंड ब्लेंडर जो है उससे भी निकाल सकते हैं, और ये एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये जो मैंने इस्तेमाल की है उससे भी ये मक्खन निकल आता है, और अगर आप ग्राइंडर में निकालें तो उसमें भी मक्खन निकल आएगा। तो दरअसल मेरी अम्मी ऐसे निकालती थी। और वो निकालती थी मिट्टी की गड़वी में। मेरे पास तो वो नहीं है, तो मेरे पास यही है, तो मैं इसमें निकालती हूँ
जो हमारे बड़े लोग हैं पुरानी रवायत से ऐसे ही ज़्यादातर निकाला जाता है, और कहते हैं अच्छा मक्खन निकलता है, ज़्यादा अच्छा। ये देखिए माशाल्लाह। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग जो अगर मक्खन बनाते हैं, कौन कौन अपने घर में मक्खन बनाता है और कौन निकालता है इस तरीके से, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मक्खन किस तरह निकालते हैं। वैसे तो आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। ये देखिए कि माशाल्लाह कितना प्यारा मक्खन निकल आया है। ये देखिए, और ये लस्सी जो है ना, बाद में कढ़ी भी आप इसकी बना सकते हो, कढ़ी भी लोग बनाते हैं। मेरी अम्मी जो हैं ऐसे मक्खन निकाल के इसकी कढ़ी बनाती हैं, और दोपहर के खाने में ये कढ़ी का बहुत ही मज़ा आता है कि लोग चावलों के साथ कढ़ी बनाते हैं अक्सर। जो हैं लोग वो दोपहर में कढ़ी का ही खाना बनाया जाता है, मतलब सालन में कढ़ी बनाई जाती है साथ में चावल। तो खैर मुझे तो कढ़ी जो है ना वो वैसे ही खाने में मज़ा आता है, चावल के साथ तो मैंने कभी भी नहीं खाई। ये देखिए माशाल्लाह मक्खन हमारा निकल आया है। तो मैं एक बार फिर से मशीन चलाने लगी हूँ कि शायद जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया तो वो भी निकल आए। चलिए आइए इसको खोलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, इसका मतलब है पहले मक्खन अच्छी तरह निकल आया है, अब और गुंजाइश नहीं कि मक्खन और निकले। तो ये देखिए हमारा मक्खन जो है वो निकल आया है। तो अब मैं इसका जो है घी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो घी वाली रोटी जो है खुश होके खा लेते हैं। दोपहर में मैं उनको घी लगा देती हूँ, देसी घी। ये वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, और घर का खालस देसी घी। और मैं जब अगर सेवइयाँ बनाऊँ, पराठा बनाऊँ, अंडा बनाऊँ, कुछ स्लाइस कुछ भी, मैं उसमें ये घर का देसी घी इस्तेमाल करती हूँ। तो बस आज की मेरा छोटी सी यही वीडियो थी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।